थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, सारी महिमा आपको मिले। आप अद्भुत युक्ति करने वाले, अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करने वाले परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी उत्तम उत्तम आशीषों के लिए जो आपने प्रत्येक मनुष्य के लिए रखी है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। उन आशीषों को आपके द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते हैं। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, कलीसिया के लिए और पवित्र आत्मा की सहायता के लिए, जिसके द्वारा हम आपके वचनों को धीरे धीरे स्पष्टता से समझने जा रहे हैं और समझते जा रहे हैं, और ये बातें सत्य के रूप में हमारे हृदय में स्थापित होती जा रही हैं, ताकि प्रभु हम झूठी अपेक्षा में ना रहें और झूठी आशा में ना फंसे, बल्कि प्रभु सच्चाई से दृढ़ होकर आपकी उस महिमा को प्रकट करने का माध्यम बने जो आपके द्वारा ही संभव है। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के उत्तम दिन के लिए और इस अवसर के लिए कि हम लोग आपके वचन से उस सत्य को प्राप्त करने जा रहे हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिया जाएगा। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं और सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज का संदर्भ शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि एक पद निकाल कर पढ़ दें जो आपको मिलेगा, दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसका 20 पद। दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसका 20 पद, जब हम परमेश्वर के वायदों के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा उस सत्य में स्थिर हो रहे होते जा रहे हैं, इस पद को पढ़ेंगे, उसके बाद हम शुरुआत करेंगे। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब प्रतिज्ञाएं उसी में अर्थात यीशु मसीह में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। देखिए, परमेश्वर के सारे वायदे जो बाइबल में लिखे हैं, पूरी बाइबल में जितने भी वायदे हैं, ऑल प्रोमिसेस, वो मसीह में हमारे लिए हाँ के साथ पूरे हो जाते हैं। यानी हमें किसी वायदे के लिए कोई प्रयास नहीं करना है, हमें जो प्रयास करना है वो मसीह में बढ़ने के लिए, मसीह में बने रहने के लिए और मसीह में स्थिर रहने के लिए, यानी कलीसिया में। मसीह में का मतलब कलीसिया में स्थिर रहने के लिए, बने रहने के लिए और बढ़ते रहने के लिए, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। बाकी सारे वायदे, जैसे जैसे हम बने रहेंगे, दृढ़ होते रहेंगे, स्थिर होते रहेंगे और हमारा विश्वास बढ़ता रहेगा, वायदे अपने आप पूरे होते चले जाएंगे। और इसीलिए इसमें यीशु मसीह, इसमें क्या लिखा हुआ मालूम है, इसलिए उसी के द्वारा यानी मसीह के द्वारा आमीन भी हुई। आमीन यीशु मसीह का भी, यीशु मसीह का एक नाम भी है। प्रकाशित वाक्य में आप जाएंगे तो उसका नाम आमीन है। आमीन का मतलब तथास्तु, यानी ऐसा ही हो। आप मसीह में हैं तो आपके साथ वही होगा जो परमेश्वर ने, क्योंकि सारी बातों का उत्तराधिकारी उसको ठहरा दिया है। हम मसीह में जब आते हैं और मसीह में बढ़ते हैं तो सारी परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर की सारे वायदे हमारे जीवन में एक एक करके आमीन यानी पूरे होते जाते हैं। इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर अपने वायदों को मसीह में हमारे जीवन में पूरा करता है और ऐसा करके वो हमारे जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। पर्पस भी लिखा हुआ है। इसलिए परमेश्वर के वायदे, इन वायदों के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना। ध्यान रहे, इसमें फिजिकल एक्ट्स ऑफ फिजिकल एक्सर्शंस नहीं है। आज हम देखेंगे परमेश्वर की, उसके वचन में दी गई विश्वास योग्यता हमेशा वैसी नहीं होती है जैसी हम उसकी विश्वास योग्यता की अपेक्षा करते हैं। अब देखिए, परमेश्वर के वायदे और हमारी अपेक्षा, ये ऑपोजिट्स हैं। हम फिजिकल
पॉइंट ऑफ व्यू से परमेश्वर से अपेक्षा रखते हैं, और परमेश्वर हमको अपनी संतान पहले बनाना चाहता है, अपना पुत्र और पुत्री बनाना मांगता है, उसके बाद वो सारी चीजों का उत्तराधिकारी हमको बनाना मांगता है। इसलिए वो हमको एक एक करके वो फिजिकल चीजें बांटेगा नहीं। तो मसीह में किसी प्रकार का कोई लालच काम नहीं करता है, और अगर कोई व्यक्ति आपको प्रलोभित करता है मसीह में, तो वो झूठा शिक्षक, झूठा प्रचारक है। यही पहचान है झूठे प्रचारकों की। यदि कोई आपके सामने मसीह की शिक्षा को सरल करके बता रहा है कि ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, ये भी झूठी शिक्षा है और वो झूठा सेवक है। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा है, कठिन है वो मार्ग जो जीवन को जाता है, और बहुत थोड़े हैं जो उसे प्राप्त करेंगे। उसकी बातों को ध्यान दें, बस सिर्फ ध्यान दें, आपको पता चल जाएगा कि लोग किस प्रकार से आज भ्रमित कर रहे हैं और लोगों को लोभ पैदा कर रहे हैं लोगों के अंदर, ताकि उनके पास भीड़ लग जाए। और मसीहत में भीड़ झूठी शिक्षा का सबसे बड़ा चिन्ह है। यीशु मसीह ने कहा है ना मत्ती 24 में, बहुतेरे होंगे जो मेरे नाम से आकर लोगों को भ्रमित करेंगे और झूठी शिक्षा देंगे, और बहुतेरे उनकी बातों को मानने लगेंगे और शारीरिक क्रियाओं में फंस जाएंगे। परमेश्वर के वायदे जो बाइबल में हमें इस संबंध में बाइबल के अनुसार हमें प्राप्त होते हैं, वो ईश्वर उन वायदों में ईश्वर कैसे हमारे साथ विश्वास योग्य बना रहता है, या उसकी विश्वास योग्यता को प्रकट करते हैं उसके वायदे। अगर हम पर्याप्त रूप से पवित्र हैं, पर्याप्त रूप से मजबूत हैं, या पर्याप्त रूप से सेवा में शामिल हैं, तो वो हमें बचाने का वादा नहीं करता है, लेकिन वो हमें बचाने के लिए वफादार होने का वादा करता है। यदि हम अपने मुंह से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु है, और हमारे दिल में विश्वास, हम अपने दिल में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया है, तो वो हमको उद्धार देने का वादा करता है। बल्कि हम अपने आप को पवित्र, पर्याप्त पवित्र बनाकर और पर्याप्त रूप से मजबूत कर दिखाकर और सेवकाई में पर्याप्त रूप से अपने आप को शामिल करके हम उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे धोखा हो जाएगा। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 9 और 10 पद ये पढ़ दीजिए। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 9 और 10 पद पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि इफ यानी शर्त है, अगर तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे, क्या विश्वास करे, कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। बताइए, उद्धार के लिए ना तो प्रार्थना करी गई, ना प्रार्थना करवाई गई, ये सब चीजें काम करेंगी नहीं, लेकिन ये आज के लोगों को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है। एक और देखते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 23 और 24 पद पढ़ेंगे। 23 और 24 पद, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। ये वो वादा नहीं कर, परमेश्वर हमसे ये वादा नहीं करता कि वो हमेशा उसी के अनुसार कार्य करेगा जो हमारी नजर में अच्छा और वफादार लगता है, बल्कि वो हमें पूरी तरह से पवित्र करके और हमारे अनंत घर के लिए तैयार करके वफादार होने का वादा करता है। देखिए, परमेश्वर के वायदों को बहुत आप समझेंगे तो इसमें सब कुछ उसी की ओर से ही होना है। हमको सिर्फ समर्पित होना है, हृदय हमारा परमेश्वर में
मगन रहे, हृदय हमारा परमेश्वर के वचन से भरपूर होता रहे और हमारे अंदर वचन के अनुसार अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहे। ये यानी भीतरी मनुष्यत्व में सारा परिवर्तन होना है। वो हमें सभी परीक्षणों से बचाने का वादा नहीं करता। मेरे साथ पद पढ़ दें, भजन संहिता 119 अध्याय का 75 पद, 75 वर्स, साम 119 वर्स 75। यहाँ हे यहोवा, मैं जान गया कि तेरे नियम धर्ममय हैं और तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। देखिए कितना सच्चा अंगीकार है। और इसका मतलब ये हुआ कि वो हमें सभी परीक्षणों से बचाने का वादा नहीं करता। अक्सर लोग दुआ क्या करते हैं, ये विपत्ति हम पर ना है, अरे हमको ये दिख रहा है, हमको ऐसा लग रहा है कि अब हम फंस गए हैं। पहले से वो आकर बचने का और उससे बचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। वो हमें सभी परीक्षणों से बचाने का वादा नहीं करता है, लेकिन वो हमें प्यार करना और उसकी आज्ञा का पालन करना सिखाने के लिए कष्ट सहकर वफादार रहने का वादा करता है। आपको कष्ट में भी उसके साथ वफादार रहना है ताकि आप साबित हो कि आप परमेश्वर से वास्तव में प्रेम करते हैं। यानी कि कष्टों को देखकर तो अच्छे अच्छे दोस्त भी छोड़ के भाग जाते हैं, अच्छे अच्छे रिश्तेदार भी साथ छोड़ देते हैं, कोई साथ नहीं खड़ा होता है। एक और पद निकालिए, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय और उसका 3 पद पढ़ दीजिए। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय का 3 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 2 थिस्सलुनीकियों 3:3, प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। लेकिन इसके लिए तुम प्रार्थना नहीं कर सकते और इसके लिए प्रयास नहीं कर सकते। वो हमें शैतान के सभी हमलों से सुरक्षा का वादा नहीं करता है, बल्कि क्या कह रहा, लेकिन वो दुश्मन के खिलाफ हमें मजबूत बनाने और हमारी रक्षा करके वफादार रहने का वादा करता है। और देखिए लोग क्या सोचते हैं, लोगों की अपेक्षा क्या होती है, बिल्कुल उल्टा चलते हैं लोग। एक और पद निकालिए, 1 यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 14 और 15 पद, 1 जॉन 5:14-15, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। कब? जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं। अब इसका उल्टा करिए, यदि हम अपनी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है? नहीं, ना, नहीं सुनेगा। वो हमारी इच्छा अनुसार हमारी सभी प्रार्थनाओं का उत्तर देने का वादा नहीं करता है, लेकिन हम जो भी पूछते हैं वो उसकी इच्छा के अनुसार सुनने और उत्तर देने का वादा करता है। और इसके साथ साथ एक और पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, फिलिप्पियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 13 पद, फिलिप्पियों 4:13, यहां इस प्रकार से लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? वो हमसे ये वादा नहीं करता कि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हम आश्वस्त और सक्षम होंगे, यानी हम उसमें कामयाब हो जाएंगे जो हम कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा हम प्रभु में होकर सब कुछ कर सकते हैं। नहीं, उसको गलत इंटरप्रिटेशन है। वो ये वादा नहीं करता कि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हम आश्वस्त और सक्षम होंगे, लेकिन वो हमें वो सब पूरा करने के लिए अपनी ताकत, बुद्धि और शक्ति देने के लिए वफादार रहने का वादा करता है, जिसके लिए वो हमें बुलाता है। तो उसके कलीसिया में बने रहो, बुलाहट में बने रहो, और जैसे ही ये चीज आपको हमेशा मैनेज और एडजस्ट करके ही करनी पड़ेगी। कभी भी आपको फ्री हैंड नहीं होगा कि आप आसानी से आराम से रिलैक्स वे में आ जाएं उसके भवन में, उसकी उपस्थिति में आने के लिए आपको
प्रयास करना पड़ेगा। ये आपके विश्वास को और आपके परमेश्वर के प्रति प्रेम को सिद्ध करता है, और इसके बिना सिद्धता प्रेम की कभी नहीं मिलेगी। एक और पद पढ़िए, दूसरा तिमोथियस दो अध्याय और उसका तेरा पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 2 Timothy 2:13, यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। वो ये वादा नहीं करता कि हम उस पर भरोसा करने से कभी नहीं चूकेंगे, बल्कि वो वफादार रहने का वादा करता है भले ही हम बेवफा हों। इसका अर्थ ये होता है। एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा, भजन संहिता उसका 23 अध्याय, इसमें कुल 6 पद हैं, 6 पद पढ़िए और फिर हम इसका आपको अर्थ बताते हैं। भजन से, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में अनंत जीवन का, इसको पूरा आश्वस्त है कि इसको ये अनंत जीवन प्राप्त करेगा। ऐसा व्यक्ति जिसको परमेश्वर पर पूरी टोटल डिपेंडेंसी, देखिए इसको कहते हैं टोटल सरेंडर, वो हमसे ये वादा नहीं करता कि वो हमें डरावनी परिस्थितियों, भटकाव वाले रास्तों, अंधेरे मौसमों या नुकसान के समय से बचाएगा। वो हमसे ये वादा करता ही नहीं है, एक भी वादा उसने ऐसा नहीं किया है। अब आपको झटका तो लगेगा, हैं? तो फिर परमेश्वर की हमें आवश्यकता कब होगी? परमेश्वर की आवश्यकता तो आपको हर समय है, हर क्षण है। आपको अभी ये नहीं समझ में आ रहा कि वो आपको बचाने के लिए नहीं, लेकिन वो हमें धार्मिकता के रास्ते पर ले जाने, हमें बहाल करने, हमारे करीब रहने, हमें आराम देने का वादा करता है, और हमें अपने आप से भर दो। ये परमेश्वर हमें अपने आप से भर देने का वादा कर रहा है, मैं तुम में समा जाऊंगा, और तुम्हारी सारी नेगेटिव परिस्थितियां, जब मैं तुम्हारे जीवन में भीतरी मनुष्यत्व में मेरी उपस्थिति होगी, तुम हर परिस्थिति में मेरी महिमा ही करोगे, कभी भी शारीरिक मनुष्यों की तरह मुंह लटका कर और दुखी मन से अपने आप को पीड़ित लोगों के सामने कभी नहीं दिखाओगे। देखिए, परमेश्वर की संतान होने का मतलब पीड़ित नहीं बनना है। आज संसार में हर व्यक्ति अपने आप को विक्टिम कार्ड खेल रहा है, विक्टिमाइज कर रहा है, विक्टिम बन के खड़ा हो जाता है और लोगों की दया का पात्र बनना मांगता है, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को ऐसा नहीं बनाना मांगता, वो अपने जैसा बनाना मांगता है कि तुम कभी किसी के सामने आंसू मत टपकाना, क्योंकि तुम्हारे आंसुओं की को मैं हिसाब करूंगा। और इसीलिए कभी किसी के सामने रोना ही नहीं चाहिए, बल्कि लोगों के सामने आपकी वो मजबूती प्रकट हो जिससे वो परमेश्वर की महिमा को देखे। परमेश्वर ऐसा चाहता है। एक और पद पढ़ेंगे, 1 Corinthians 10:1
पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 13 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और 13 पद। इसलिए मैंने जो परमेश्वर के वचन से सीखा, सफरिंग मेक्स अ मैन मैच्योर। मैच्योरिटी के लिए सफरिंग में से हो, सफरिंग में जाना, सफरिंग में रहना और सफरिंग में से जयवंत होकर निकलना, ये मैच्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, आत्मिक परिपक्वता के लिए। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 13 पद। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें तुम्हारी सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने, लेकिन परीक्षा में पढ़ने देगा, लेकिन तुम्हारी सामर्थ। अब ये बताइए, आपकी जब आप मसीह में आए थे शुरुआत में, तो आपकी सामर्थ कम थी, तो परीक्षा भी छोटी छोटी थी, लेकिन जैसे जैसे आपके अंदर सामर्थ बढ़ेगी तो परीक्षा का लेवल भी तो बढ़ेगा के नहीं? क्या आप जीवन भर नर्सरी और केजी की परीक्षा देंगे? आप कॉम्पिटिशन के लिए भी तैयार होंगे, आईएएस की भी परीक्षा के लिए भी तैयार होंगे, तो उसके लिए आपको बहुत मजबूती से तैयारी करनी है कि परीक्षा में तो वो जाने देगा, लेकिन इस दरवाजे, इसीलिए हमने कहा परमेश्वर के साथ चलना प्रोग्रेसिव है। आप प्रोग्रेसिव नहीं होंगे तो आप उसके साथ चल नहीं पाएंगे। अगुवाई में चलना है, आगे आगे वो चले, अब पीछे पीछे हम उसको फॉलो करें, लेकिन अगर कोई व्यक्ति रुक जाएगा, ठहर जाएगा, कहीं और बिजी हो जाएगा, तो वो धीरे धीरे रेस से, मसीही जीवन की जो रेस है ना, उससे बाहर होता जाएगा और फिर वो इस संसार में वापस पलट कर फंस जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें वार्न करता है कि आपको एक बार सच्ची ज्योति प्राप्त हुई, आप स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके, अब आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये एक ही बार मिला है, मिस ना होने। और मिस द मार्क का मतलब सिन, आप जानबूझ के विलफुल सिन कर रहे हैं, जानबूझ के पाप करते हैं। ये वो वायदा, ये वायदा नहीं करता कि हम परीक्षा में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि वो हमें हमारी क्षमता से अधिक परीक्षा में ना पढ़ने देकर वफादार बने रहने का वादा करता है। अब लेकिन हर रैबर पर वो आपके साथ वफादार है, क्या आप उसके साथ उतने ही वफादार हैं? तो आपका लेवल बढ़ जाएगा, और अगर आप नहीं है वफादार, आपका लेवल घटा, तो आप पीछे कर दिए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, ये उसका नेचर है। इसलिए वो आपके साथ गलत मार्किंग नहीं करेगा, फेवरेटिज्म नहीं है। एक और पद पढ़िए, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 9 पद। फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 वर्स 9, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9 पद। यहां पर भी एक वायदा हम देखते हैं, जी, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा। नहीं, ये गलत वर्स है, पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 9 पद। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। कब? वो हमसे ये वादा नहीं करता कि हम अब पाप के साथ संघर्ष नहीं करेंगे। आप मसीही जीवन में लगातार पाप के साथ संघर्ष करेंगे, क्योंकि आपके पास शरीर है और आपके पास प्राण है। आपके प्राणों में परमेश्वर काम कर रहा है, लेकिन आप शरीर के द्वारा बार बार परीक्षाओं में पड़ेंगे। वो हमसे ये वायदा नहीं करता कि हम अब पाप के साथ संघर्ष नहीं करेंगे, लेकिन वो हमें माफ करने और अपने पापों को स्वीकार करने पर हमें अधर्म से शुद्ध करने के प्रति वफादार रहने का वादा करता है। परमेश्वर विश्वास योग्य रहेगा माफ करने के लिए, लेकिन हम अपने पापों का अंगीकार करने में वफादार रहेंगे, तब। ये है कंडीशन। एक और पद पढ़िए, रोमियो की पत्री 5 अध्याय 1-5 तक। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 1-5 पद तक पढ़ेंगे, फिर हम आपको इसका अर्थ बताएंगे। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 1-5। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे
तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी, आप 2023 में क्लेश में फंसे थे तो कुड़कुड़ाते थे, आप परीक्षा में फेल हो गए परमेश्वर के सामने, अब आपको क्या करना मालूम, क्लेशों में भी इस बात का गर्व कीजिए कि परमेश्वर हमें इस दुख की भट्टी में तपाकर हमें यानी खरा सोना बना रहा है, वो हमें प्योर कर रहा है, वो हमें बुरी या दर्दनाक परिस्थितियों के हाथों पीड़ा से बचाने का वादा नहीं करता है, ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन वो हमारी पीड़ा का उपयोग करने के लिए वफादार होने का वादा करता है, क्योंकि हम पवित्र की शक्ति के माध्यम से धैर्य, चरित्र और आशा पैदा करने के लिए उस पर भरोसा करते हैं। ये है उसका उसकी मनसा। एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, रोमियो की पत्री के 8:28, रोमियो की पत्री 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। आपके आपके जीवन में 2023 में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिसमें आप दुखित हुए, खेदित हुए और आपको बुरा लगा कि मैं तो कलीसिया में जाता हूं, मैं तो वचन सुनता हूं, मैं तो परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये दुनिया के सामने आज प्रश्न है। मैं जब कलीसिया में जा रहा हूं, मैं परमेश्वर के वचन का आदर कर रहा हूं, सुन रहा हूं, उसको अपने हृदय में रखता हूं, परमेश्वर से प्रेम, मेरे हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, और तब मेरे साथ समस्याएं आ रही हैं, ऐसा क्यों? वो हमें सभी नुकसान और निराशा से बचाने का वादा नहीं करता है, लेकिन वो हमारी भलाई यानी अनंत भलाई के लिए सभी चीजों को एक साथ काम करने के लिए वफादार रहने का वादा करता है, तब भी जब हम इसे देख या समझ नहीं सकते हैं। आपके साथ कोई भी दुर्घटना हुई है, उसमें कभी मुंह लटकाइएगा मत, इसका गवाह, इस बात की गवाही आपने मेरे जीवन में शायद पाई हो, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था मैंने अपने आप को विक्टिम नहीं बनने दिया। किसने ये बात हमारे हृदय में डाली? किसने मुझे इस बात की सामर्थ्य कि मैं परमेश्वर की महिमा उस दशा में भी करूं और उस दशा में भी परमेश्वर पर गर्व करूं कि वो कितना वफादार है? मैं हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। हमारी हड्डियां टूट सकती थी, हमारे ब्रेन में कुछ भी हो सकता था, मैं ला इलाज की हालत में आ सकता था, शरीर के बहुत से अंग हमारे फेल हो सकते थे, कुछ भी हो सकता था, लेकिन उसने वफादारी से मुझे जीवन दिया और मुझे सक्षम होकर संभाले रहा और मेरे साथ उस परिस्थिति में खड़ा रहा, जिसने मुझे उस परिस्थिति में, उस निर्बलता की हालत में अपने बल से भरा और आपके बीच में एक जीवित गवाह बना के खड़ा किया। इसलिए मैं आपसे ये बातें कह सकता हूं क्योंकि मैंने इस चीज को पार किया है। जब कोई व्यक्ति IAS का पूरा कंप्लीट कर लेता है, उसी के बाद वो IAS के लिए लोगों को तैयार कर सकता अनुभव के साथ। परमेश्वर का वचन भी ऐसे ही आपको अनुभव के साथ बताने वाला व्यक्ति चाहिए। परमेश्वर अपने सेवक के जीवन में हर उस परिस्थिति से उसको गुजारता है ताकि हम हर परिस्थिति के लिए आपसे बात कर सके। एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, 2 कुरिन्थियों उसका 4:16। 2 कुरिन्थियों 4:16। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व यानी हमारी छवि, जो लोगों के सामने बाहरी छवि है, शायद हो सकता हमारी बाहरी छवि
का पतन हो जाए, हमारी बाहरी छवि लोगों के सामने, लोग हमें मूर्ख समझने लगे, लोग हमें पागल समझने लगे, लोग हमें कुछ भी, जैसे यीशु मसीह को कहते थे, अरे वो तो उसमें दुष्ट आत्मा है, वो पागल है, वो भ्रमित भ्रम पैदा करता है, भ्रमित करने वाला है, भरमाने वाला है। ऐसी पौलुस के साथ भी हो सकता है लोग मुझे, हमारे बाहरी मनुष्यत्व को, यानी हमारी बाहरी छवि को लोगों के सामने बहुत ऊंची होती, मेरी बाहरी छवि गिर रही हो, लेकिन बाहरी मनुष्यत्व, यानी हमारी जो बाहरी छवि थी, फिजिकल जो हमारा लोगों के परसेप्शन था फिजिकली हमारे प्रति, वो भले ही उसका वो खत्म हो रहा हो, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। जब हमारा लोगों का परसेप्शन, हमारा जो बाहरी एक्सटर्नल परसेप्शन हमारे प्रति था, लोग हमारे ऊपर बहुत भरोसा कर रहे थे, लोग हमें बहुत कुछ समझ रहे थे, वो चीजें लोगों की नजर में हमारी वो छवि टूटने लगती है। ये गुड न्यूज है मेरे लिए, ताकि मेरे भीतरी मनुष्यत्व के प्रतिदिन नया होने से उसकी महिमा प्रकट हो। ये पौलुस ने इस बात को अपने जीवन से हमारे सामने रखा, क्योंकि वो इस दशा से गुजर रहा था। वो हमारे शरीर, मन या सांसारिक आशाओं को बर्बाद होने से बचाने का वादा नहीं करता है, लेकिन वो दिन ब दिन हमारे आंतरिक स्वरूप को नवीनीकृत करने के लिए वफादार रहने का वादा करता है, भले ही हमारा बाहरी स्वरूप बर्बाद हो रहा हो। इसका ये अर्थ है। एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा, दूसरा कुरिन्थियों, यही 4 अध्याय, इसका 17 और 18 पद पढ़ दीजिए। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। वो इस पृथ्वी पर हमारे कष्टों को समाप्त करने का वादा नहीं करता है, लेकिन वो इस क्षणिक कष्ट का उपयोग करके हमारे लिए सभी तुलनाओं से परे महिमा का एक अनंत भार तैयार करने में विश्वास योग्य होने का वादा करता है। क्योंकि हम उन चीजों को नहीं देखते जो देखी जाती हैं, बल्कि वो चीजें जो अनदेखी हैं। इसलिए जैसे ही मैं परमेश्वर की वफादारी के इन अविश्वसनीय वादों पर विचार करता हूं, मुझे इस बात का ताजा एहसास होता है कि मैं कितनी बार उनसे उन तरीकों से कार्य करने की अपेक्षा करता हूं जिनका उन्होंने कभी वादा नहीं किया था। वो चाहता है कि हमारा दिल इस दुनिया को छोड़ दे और उसके प्रति हमारे प्यार में बढ़ोतरी हो। हालांकि वो अक्सर ऐसा करता है कि वो हमसे दूर हो जाता है और उन चीजों को नकार देता है जो हम इस धरती पर चाहते हैं, जिससे हमें ये पता लगाने की गुंजाइश मिलती है कि वो वास्तव में वो सब कुछ है जिसकी हमें जरूरत है। यही उसकी वफादारी है। वो चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें, ना कि अपनी ताकत और बुद्धि पर। हालांकि वो अक्सर हमारे जीवन में कमजोरी लाकर या हमें ऐसी स्थितियों में रखकर ऐसा करता है जो हमें हमारी क्षमताओं और आराम से परे धकेल देती हैं। यही उसकी वफादारी है। वो ये चाहता है कि हम उस पर पूरा भरोसा करें और मोक्ष की आशा में स्थिर रहें। हालांकि वो अक्सर उन परिस्थितियों को अनुमति देकर ऐसा करता है जिसका हम कोई अर्थ नहीं निकाल सकते। सांसारिक आशाओं को छीन लेते हैं जो हमें उस सुरक्षित और अनंत आशा से विचलित कर देती हैं जिसके बारे में वो हमसे जानना चाहता है। यही उसकी वफादारी है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं यदि आप ऐसी परिस्थितियों का अनुभव कर रहे हैं जो ईश्वर की अच्छाई और विश्वास योग्यता के विपरीत प्रतीत होती है। तो क्या आप हमारे दिलों की जांच करने में मेरे साथ शामिल होंगे कि हम ईश्वर से किस तरह से कार्य करने की अपेक्षा कर रहे हैं जिसका उसने कभी वादा नहीं किया है? जैसा कि हम ऐसा करते हैं, क्या हम
उन्हें उनके सामने स्वीकार कर सकते हैं और उन सभी तरीकों से सांत्वना और प्रोत्साहन पा सकते हैं जो उन्होंने अपने बच्चों के रूप में हमारे प्रति वफादार रहने का वादा किया है। वो हमारे साथ हर समय वफादार रहने का वादा करता है, हर परिस्थिति में वो हमारे साथ बना रहने का वादा करता है और हर परिस्थिति में से हमें निकालने के लिए तैयार रहने का वादा करता है। उसके वायदे और हमारी अपेक्षाएं दोनों विपरीत हैं। क्यों? क्योंकि हम शारीरिक और पाप के हाथों बिके हुए हैं और वो सत्य परमेश्वर है और वो अपने वचन के द्वारा इसी बीच के डिफरेंस को खत्म करके हमारे हृदय को संपूर्ण रूप से उसके प्रति विश्वास योग्य बनने के लिए कार्य करता है पवित्र आत्मा के द्वारा। इसीलिए उसने कलीसिया की स्थापना की है। कलीसिया मसीह की वो आत्मिक देह है जिसमें हम सबका भीतरी मनुष्यत्व आत्मिक स्वरूप में प्रतिदिन नया किया जाना चाहिए। इसीलिए उसने कलीसिया की स्थापना की और इसी उद्देश्य को वो कलीसिया में पूरा करके हम सबके जीवनों को नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा में प्रकट करना चाहता है। क्या आप उसकी इस इच्छा को अपने जीवन में पूरा होने देना चाहते हैं? यदि हाँ तो आप मेरे साथ उसका धन्यवाद कीजिए और इस प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हो जाइए। परमपिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र वचनों के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये फरक फरक भाषाओं में बाइबल है और बाइबल में लिखी सब बातों का जो मेन उद्देश्य है, जो इसका असली उद्देश्य, असली स्वरूप है, वो बिना पवित्र आत्मा के हम कभी नहीं समझ सकते। इसीलिए प्रभु आपने अपनी कलीसिया में अपनी ओर से सेवकों को नियुक्त किया है, उन सेवकों को जो पवित्र आत्मा के वश में रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हुए पवित्र आत्मा के द्वारा उस कार्य को जो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा और योजना के अंतर्गत है उसके लिए अपने आप को तैयार रखते हैं, ताकि पवित्र आत्मा कलीसिया में हर एक विश्वासी के जीवन में कार्य करके हम सबको मसीह की महिमा में प्रकट करें और उसका ये कार्य हमारे हम सब के जीवनों में पूर्णता तक पहुंचे। ये तो तभी संभव है जब हम पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करेंगे और समर्पित बने रहेंगे, और इसके लिए हम सबको प्रयास करने की आवश्यकता है। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु इस प्रार्थना में आपसे निवेदन करते हैं, वो जो वास्तव में आपसे प्रेम करते हैं और जो लोग वास्तव में जिनके हृदय में आपके प्रति प्रेम है, उनके हृदय में प्रेम प्रतिदिन बढ़ता जाए और वो आपके प्रेम के द्वारा सिद्ध होकर आपकी उस इच्छा में शामिल रहें जिससे प्रभु आपकी इच्छा हम सबके जीवनों में पूर्ण हो और आपकी वो महिमा प्रकट हो जिसके लिए आप हमें तैयार कर रहे हैं, ताकि आपके नाम की महिमा हो, सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।